नमस्कार साथियों, जय हिंद। हम लोग अब डाइज़ोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे और डाइज़ोनियम सॉल्ट का जनरल जो फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला वो होता है आपका R(N2+X-). ठीक है। और यहाँ पे यही N2+ कौन सा ग्रुप होता है? डायज़ोनियम ग्रुप होता है। डायज़ोनियम ग्रुप कौन सा ग्रुप? डायज़ोनियम ग्रुप बेसिकली जो छोटे छोटे एरोमेटिक अमाइन से डाइज़ोनियम क्लोराइड बनेगा वो एक जनरल टेम्परेचर में भी बन जाता है, बाकी के लिए स्पेशल प्रेफरेंस लगती है। अगर मैं आपको डाइज़ोनियम सॉल्ट के कुछ एग्जांपल बताऊं तो इसमें जैसे पहला आपका मोस्ट फेवरेट, सबका लॉलीपॉप वाला फेवरेट क्या है? N2Cl, जिसे बोलते हैं BDC बेंजीन। सर ये कैसा बना देते हो आप, रिंग रिंग बनाने नहीं आती? ये लो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ये आपकी एक तरह की क्या है? अरीन डायज़ोनियम सॉल्ट है। ठीक है। और क्या हो सकते हैं? तो एक आपने अभी देखा ही था सल्फोनेशन के अंदर N2HSO4-। ठीक है, N2+ और Cl- की जगह HSO4-। तो इसे क्या बोलोगे? बेंजीन। आगे बोलो, डाइज़ोनियम है N2, हाँ, और ये HSO4- क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये बना बेंजीन डाइज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसे बोल सकते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है। तो ये दो इसके एग्जांपल हुए। एंड देन इसके बाद अब हम एक नोट देख लेंगे कि जो सिंपल एरोमेटिक अमाइन होंगे, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन मतलब है ना, जिनमें अल्काइल ग्रुप ना हो। देखिए नोट डाल देंगे, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन जैसे एनिलीन हो गया है ना, बेंजीन रिंग पे क्या NH2। अब ये प्राइमरी की जगह सेकेंडरी कब बन जाएगा बच्चे? जब ये एच पे एक अल्काइल ग्रुप लग जाए। टर्शरी कब बन जाएगा? जब एक और अल्काइल ग्रुप लग जाए। ठीक है। सॉल्ट भी बन सकता है, फिर लोन पेयर का यूज़ कर लो। तो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन जो है ये फॉर्म करते हैं अरीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, फॉर्म करते हैं अरीन डाइज़ोनियम सॉल्ट। और ये हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन में हमने सारी रिएक्शन पढ़ी हुई है। इसकी रिएक्शन बनाने की तो एक ही आपके कोर्स में डाइएज़ोटाइजेशन, Na2+2HCl, HCl डाल लो। और जो रिएक्शन है आपको पता ही है, सैंडमेयर होगी, गैटरमैन हो गई, फिर उसके बाद सैंडमेयर गैटरमैन क्लोरीन और किसके लिए? ब्रोमीन के लिए है। फिर अगर आयोडीन बनाने तो सिर्फ शेक कर लो, फ्लोरीन बनाने तो बाल्ज शीमेन रिएक्शन कर लो। तो ये सारी हमने पहले भी पढ़ी हुई है, फॉर्मेलिटी चल रही है ना। तो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन फॉर्म अरीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, फॉर्म अरीन डाइज़ोनियम सॉल्ट जैसे BDC, ठीक है, विच आर स्टेबल एट लेसर टाइम फॉर लो टेम्परेचर, विच आर स्टेबल एट लेसर टाइम, बहुत कम समय के लिए स्टेबल होंगे, कब? लो टेम्परेचर में। लो टेम्परेचर जनरली कितना होगा? 235-233 केल्विन होगा शायद, है ना, 250-280 केल्विन लिख लेना। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसके सबसे बाद हम क्या देखेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे अरीन डाइज़ोनियम सॉल्ट का। तो रेजोनेंस मैंने बहुत बार बता रखा है, उसमें बहुत दिमाग ख़राब होता है आप लोगों का, तो मैं सीधा आपको छपवा देता हूँ। चलिए साथियों, ये आप इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ लो, खुद देख लीजिए। चार हैं, सबसे पहले तो यही होता है N2, ठीक है, Cl हटा रखा है तो इसलिए इस पर देखो तीन बॉन्ड हैं ही पहले से, लोन पेयर हैं, एक का नेगेटिव चार्ज ऊपर भेजा हुआ। आपको पता ही है करेंगे क्या, हलचल यहाँ करेंगे एक्टिवेट। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ऊपर गया तो होगा क्या, ये डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि इन दो कार्बन ने अपने डबल बॉन्ड दिए थे। इस कार्बन का तो है ही फ़ायदा, क्योंकि यहाँ से तो इसके बॉन्ड बन ही रहे हैं, यहाँ से छूटेंगे इसके बॉन्ड तो ऊपर बन जाएंगे, नुकसान तो इसका है ना, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर इसके बाद इसको हलचल हो जाएगी कि मेरे भाई पे ऐसा कैसे हो गया, तो ये अपना लोन पेयर या डबल बॉन्ड वहाँ दे देगा, इधर दे देगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इसको भी हलचल हो जाएगी, ठीक है, तो ये बोलेगा कि भाई मैं नीचे आ जाता तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये सारी कहानी आप अपने हिसाब से 5-6 तरीके हैं बोल सकते हैं। मेरा मेन मादा क्या है कि मैं आपको प्रिपरेशन करा दूँ कि प्रिपरेशन कैसे होती है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की, है ना। प्रिपरेशन के बाद सीधा हम इसके रिएक्शंस कर लेंगे।
तो हम पे हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन या प्रिपरेशन ऑफ बीडीसी। तो प्रिपरेशन ऑफ बीडीसी हम देख लेते हैं। अभी हमने देखी थी किस रिएक्शन से होती है डाई एजोटाइजेशन। डाई एजोटाइजेशन आप तभी कहोगे जब अरीन वाला हो, एनिलीन हो, तभी आप कहोगे। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया बच्चे, यहाँ पे हमने अनिल ले लिया, अनिल, अनिल कपूर नहीं एनिलीन। और होनो हकले या NaNO2/2HCl डाल दो, NaNO2+2HCl, दो हाइड्रोजन ये रहे, दो ये रहे, दो ऑक्सीजन है, टू वाटर निकल जाएगा और क्या है एन और एन आपस में चिपक जाएंगे, एन और एन आपस में चिपक गए। तो यहाँ पे बना आपका N2। Cl एक भेज दो, Cl ये प्लस और ये माइनस। अगर आपको दिखाना भी है तो N ट्रिपल बॉन्ड N और एक Cl दिखा देना, बट इससे भी काम चल जाएगा। तो N2 लग गए, HCl लग गया, एक Cl बचेगा, एक Na बचेगा, तो NaCl अलग हो जाएगा। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है। लगभग ये कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो लगभग 273 से 298 केल्विन पे हो जाती है। सेल्सियस पे तो नहीं होती, केल्विन पे होती है। सेल्सियस में निकालने के लिए आप इसको 273 से माइनस कर लो तब निकल जाएगी। तो बस आप पे प्रिपरेशन इतनी थी, अब आप पे केमिकल रिएक्शन आएंगी, ठीक है। तो हम पे हेडिंग क्या है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, यहीं पे लिख देते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट ये हमें देखनी है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको पता ही है, एक हम वैसी देखते हैं जिसमें नाइट्रोजन उड़ जाता है, जैसे सैंडमेयर और गैटरमैन में नाइट्रोजन उड़ जाता है, उनकी जगह क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन आ जाता है। तो टाइप ए है रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप या रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट तो नहीं, रिमूवल या डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे। तो रिमूवल ऑफ अजाइड ग्रुप, एंड अजाइड तो N3 होता है, डाइजोनियम ग्रुप N2 ग्रुप, ठीक है, N2 ग्रुप का रिमूवल हो जाएगा। अच्छा, इसमें बहुत तरह के होते हैं सैंडमेयर गैटरमैन। नेम रिएक्शन में तो हमने छोटे में लिख दी थी, हल्के में ले ली थी, यहाँ पे नहीं लेंगे। सैंडमेयर में लो यील्ड होती है, बट कोई बात नहीं, बनानी तो पड़ेगी। तो हम पे सैंडमेयर रिएक्शन जिसकी होती है कैसी, यील्ड लो, लो यील्ड बनती है सैंडमेयर में, लो यील्ड, यील्ड मतलब उपजाऊ, कितनी मतलब उससे बन पा रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखो आपको पता है बीडीसी लेना पड़ता है, ज़रूरी नहीं है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही लें, क्लोराइड की जगह कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो N2 प्लस और X माइनस, आप याद रखेंगे X क्या क्या है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन के लिए शेक करेंगे, फ्लोरीन के लिए बाल्ज-शीमन रिएक्शन है। कौन सी है बच्चे, बाल्ज-शीमन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन आपको पता होगी क्या थी, कि सैंडमेयर ने क्या करा, सैंडमेयर ने क्या करा बच्चे, डीसी को, हाँ बोलो, सैंडमेयर ने डीसी को या डीसी में कुल्हाड़ी गिराई। तो आपको पता है ना इसमें क्या होता है, करा था ना ये सैंडमेयर ने हड़बड़ी में, गटर में, गटर तो नहीं था, रेत में या ऐसे कुछ था, हाँ किसने, ओ अब आ गया, डीसी है ना ये, हाँ बीडीसी। तो डीसी ने हड़बड़ी में सैंड में कुल्हाड़ी गिराई, डीसी ने हड़बड़ी में सैंड में कुल्हाड़ी गिराई, ऐसा कुछ था। तो हम ले लेंगे Cu2Cl2/HCl या साइनाइड भी कर लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है, एक्स की जगह साइनाइड भी हो सकता है, ठीक है, Cu2Br2/HBr या CN की भी एक ही वैलेंसी होती है, हाँ, और Cu की भी एक ही वैलेंसी ले लेते हैं, तो CuCN/HCN नहीं होता, फिर KCN होगा शायद, KCN आयनिक होता है ना, हाँ तो ये ले लेंगे। अब इनसे रिएक्ट करके क्या बनेगा, आपको भी पता है, बेंजीन रिंग यहाँ भी बनेगी, बेंजीन रिंग यहाँ भी बनेगी, बेंजीन रिंग यहाँ भी बनेगी, ये हमने बेंजीन रिंग बना दी। और इसके अंदर क्या होगा बच्चे, आपको पता है इनसे क्या बनता है, इससे बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, ये तो रिएक्शन है, प्रिपरेशन थोड़ी है बच्चे, या ब्रोमोबेंजीन और ये साइनोबेंजीन CN, ठीक है। और साथ में क्या निकल जाता है बच्चे, आपको पता है रिप्लेसमेंट हो रही है नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन निकल जाएगा। बट इससे भी एक बढ़िया मेथड है जिसे गैटरमैन बोलते हैं, उसमें कॉपर का पाउडर डालना पड़ता है HCl के साथ,
ठीक है, या कॉपर का पाउडर HBR के साथ, नहीं नहीं वो साइनाइड के लिए नहीं है, उसमें अच्छी यील्ड आती है, तो वाली लिख लेते हैं। सैंडमेयर तो आपको पता ही है क्या है, अब पूरा हमें निमोनिक्स आ गया, DC ने सैंड में हड़बड़ी में कुल्हाड़ी गिराई या कुबाड़ी गिराई या कुकानी गिराई। ओहो चलो नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, सैंडमेयर के बाद है गैटरमैन। सैंडमेयर के बाद कौन सी है, गैटरमैन रिएक्शन है, इसी के अंदर है, सेकंड डाल के लिख लो गैटरमैन रिएक्शन। तो इसकी भी ट्रिक अब यह निमोनिक्स हमें याद आ रहे हैं क्या है, डीसी ने गटर में कॉपर पाउडर गिराया है ना, हड़बड़ी में कॉपर पाउडर गिराया। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम बेंजीन रिंग और N2+ और X-। एक्स क्या हो सकता है, या तो क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है, इस पर साइनाइड नहीं है, ये आपका BDC है, रिएक्शन करेगा। ठीक है, दो अलग अलग बना दो, तो क्या है थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, कॉपर पाउडर पूरा लिखना है, कॉपर पाउडर / HCl, कॉपर पाउडर / HCl या कॉपर पाउडर / HBr, ये है। तो इसमें भी यही बनेगा, बट इसमें बेटर ईल्ड आती है, ईल्ड ज़्यादा आती है, इसमें भी नाइट्रोजन अलग होगा, बेटर ईल्ड, ज़्यादा परसेंटेज में प्रोडक्ट बन जाएगा मेजर, N2 कम बनेगा। बेंजीन यहाँ भी है, बेंजीन यहाँ भी है, Cl यहाँ बन जाएगा, Br यहाँ बन जाएगा, N2 यहाँ और N2 यहाँ, यह है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, कॉपर पाउडर HCl Cl Br, हाँ दिख ही रहा है, ठीक है दिख रहा है, तो क्या दिक्कत है ना। ये सर और कुछ भी निकलता है, हाँ तो यहाँ पे एक X भी बचा है, तो CuX निकल जाता है, यहाँ पे भी CuX निकल जाएगा, X कुछ भी हो सकता है ना, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या हम X में सर HCl के साथ N2Br ले सकते हैं, HBr के साथ N2Cl ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब अगर हमें रिप्लेसमेंट करना है किसका, आयोडाइड आयन का, तो तीसरी है, उसमें भी N2 रिमूव होता है, बट आयोडीन तो ऐसा होता है ना, मतलब शेक कर लो तब भी बात बन जाती है, बोतल में रख के, है ना, जैसे घी निकालते हैं मक्खन वैसे। तो तीसरा है रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन, रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन से रिप्लेसमेंट करनी है, तो KI के साथ शेक कर देते हैं बस, है ना, BDC को। तो हम BDC बनाएंगे, यहाँ पे BDC होगी, सर ऐसे मत बनाया करो, ये बनाया करो, आप बना लो अपनी कॉपी में बच्चे, बात तो एक ही है ना। तो ये N2Cl हो गया, N2Cl हो गया, KI के साथ सिर्फ हमें क्या करना है, शेक करना है, क्या करना है, शेक K+I-। आपको कुछ हट रहा होगा तो आप KCl हटा दो, और बेंजीन रिंग पे क्या आ जाएगा, KCl हटाया, साथ में आपका N2 भी हट गया, K भी हट गया, Cl भी हट गया, N2 हट गया, तो इसके ऊपर आयोडीन आ जाएगा, या आपकी आयोडोबेंजीन बन जाएगी। पहले आपने क्लोरोबेंजीन बनाई, ब्रोमोबेंजीन बनाई सैंडमेयर गैटरमैन से, अब आपने क्या बना दी, आयोडोबेंजीन बना दी, तो रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन आपकी ये रही, क्लियर है। नेक्स्ट है इसके बाद बच्चे, यहीं पर आप देखोगे रिप्लेसमेंट बाई फ्लोराइड आयन, किसका, N2 का या डाइजोनियम कंपाउंड का, तो वो हम तो कर लेते हैं बाल्ज-शीमैन रिएक्शन से, तो इसमें चौथा आएगा रिप्लेसमेंट बाय कौन सा आयन, फ्लोराइड आयन को रिप्लेसमेंट करने, सर फ्लोराइड आयन की एक और पढ़ी थी हमने, कौन सी, AGF या NAI, AGF स्वार्ट्ज रिएक्शन, NAI थी फिंकलस्टीन, फ्लोराइड आयन के लिए एक रिएक्शन है बाल्ज-शीमैन रिएक्शन, क्या थी भाई, सच्ची चलाता है DC फेसबुक ऐसे, शीमैन रिएक्शन, ठीक है, बाल्ज-शीमैन रिएक्शन क्या थी भाई, सच्ची चलाता है DC फेसबुक ऐसे, ठीक है, तो भाई सच्ची तो बाल्ज-शीमैन हो गया, ठीक है, भाई सच्ची DC मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, N2Cl ले लेते हैं, ठीक है, N2+Cl-, ये हो गया BDC, तो हो गया भाई सच्ची चलाता है DC फेसबुक ऐसे, हाँ फेसबुक ऐसे मतलब फ्लोरोबोरिक एसिड लेना पड़ेगा, जो कि होता है HBF4, H+ होता है, BF4- होता है। HCl आप हटा दो हीट करके, HCl क्या कर दो, हटा दो हीट करके, जैसे ही आप HCl हटा दोगे, बताऊँ आपको कौन सा H, कौन सा Cl, एक ही तो H है, एक ही तो Cl है, पहले हटा दो, जो बना एडिशन प्रोडक्ट वो बना दो,
नहीं, एडक्टिव ही नहीं बोलते, एडक्ट बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिजेंट वाले को। तो ये हो गया N2+ और ये हो गया BF4-, ये हो गया आप पे। शायद पहले मैं आपको हीट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन इसके बाद आप इसे एक बार हीट कर लो और इसे BF3 हटा दो, आप इसे नाइट्रोजन भी हटा दो, तो आप पे क्या बचेगा? अगर आपने BF3 भी हटा दिया, एक फ्लोरीन बचेगा और नाइट्रोजन भी हटा दिया, तो आप पे कुल मिला के क्या बचा? फ्लोरोबेंजीन बचा। क्या बचा? फ्लोरोबेंजीन यहाँ पे बच गया, इसे याद रख लेना आप लोग, ठीक है। बालदुशीमान रिएक्शन है ये। इसके बाद कौन सी है? तो ये टाइप की तो हो गई। अब इसके बाद हम पे रिप्लेसमेंट बाई हाइड्रोजन, और वो एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन होगी, वो मैं आपको बता दूंगा क्यों है रिडॉक्स। अभी आप नाम लिख लीजिए क्या है। ए वाली हो गई रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। इसके बाद बी वाली है, बी वाली क्या है? रिप्लेसमेंट बाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, तो ऑब्वियसली रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा, हाइड्रोजन से रिप्लेसमेंट हम कराएंगे। तो सबसे पहले हम हाइपोफॉस्फोनिक एसिड से करा लेते हैं, जिसको हम फॉस्फिनिक एसिड भी कहते हैं, H3PO2। कैसी है देखो, बेंजीन रिंग पे। अब तो आपको पता नहीं, इससे चीर परिचित होंगे आप, ये क्या है? N2Cl BDC है, ठीक है। और H3PO2 जो होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या जिसे हम फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं, फॉस्फोनिक एसिड। तो एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक रिड्यूस हो जाएगा, एक तरह की ये रिडॉक्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन है। इंक भर लूँ क्या बच्चों? तब देखते हैं, दिख रहा है तुम लोगों को? एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन है। हाँ, मेरे को एक और चीज़ डालनी पड़ेगी, यहाँ पानी, पानी के साथ होगा ये H2O। नीचे लिख लेता हूँ मैं, एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन है। देखो हुआ क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। एक H और एक Cl, एक HCl चले गया, ठीक है, और बेंजीन रिंग रह गई। H3PO2 बन गया H3PO3। बैलेंस करो ज़रा, एक और चीज़ आएगी, क्या आएगी देखो जल्दी। हाँ सर, N2 आएगा। देखो बैलेंस है, N2 दो हैं, क्लोरीन एक है, हाइड्रोजन चार, एक दो तीन चार पाँच, पाँच थे, तीन और एक चार, अब एक बचा हुआ है। तो वो एक कहाँ गया? एक यहाँ पे भी तो जाएगा भाई, यहाँ से N2Cl जब हटेगा तो यहाँ पे भी तो एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ चले जाएगा। ऑक्सीजन तीन है, क्लोरीन एक है, सब बैलेंस है। बस आप ये समझना, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आना चाहिए है, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा तो इसको रिंग को एक हाइड्रोजन की कमी पड़ेगी, यहाँ से उठा लेगी वो हाइड्रोजन, या यहाँ से भी उठा सकते हैं, हमें नहीं पता। अब आप एक चीज़ समझो, H3PO2 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? हाइड्रोजन की कुल मिला के हो गई 3, ऑक्सीजन की 2×2-4, फॉस्फोरस की X=0 के, तो X की वैल्यू 1 आ रही है, तो यहाँ तो 1 आ रही है भैया, है ना। यहाँ पे देख लीजिए कितनी आ रही है, ये 3 हो गया, ये -6 हो गया, है ना। और ये X है बराबर कितने के? 0 के, ठीक है, -6, 3, तो ये आ गई +3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, इस वाले का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? बड़ा। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है? ऑक्सीडेशन, क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब जरा एक ऐसे भी तो समझो, मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। क्या इस बेंजीन को हाइड्रोजन मिला? हाँ सर मिला है, तभी तो यहाँ 3 और 2 5 हुए, पर यहाँ तो 4 ही दिख रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन इसे मिला है यहाँ पे, ये रहा वो हाइड्रोजन, दिखाना चाहूँ तो ये रहा वो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होके भी ये बेंजीन है, क्या इसे हाइड्रोजन मिला? हाँ, जिसको हाइड्रोजन मिलता है वो क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो है ना ये रिडॉक्स रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है? रिडक्शन भी हो रहा है। क्लियर है इतनी बातें? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। सर एक और ऐसी बता दोगे? हाँ क्यों नहीं बता देंगे, बता देंगे आपको, रुक जाओ बस, इतना देख लो पहले, पानी पी लो मैं, फिर बताता हूँ आगे। समझ में आया ना? मैं दोबारा समझा दूँ ये कैसे हुआ। देखो ना, यहाँ पे +3 -4, +1 आएगा, +3 -6, +3 आएगा, +1 से +3 हुआ, और ऑक्सीजन भी बढ़े हैं, 2 हैं 3 है, तो ऑक्सीडेशन हुआ। अब देखो यहाँ बेंजीन पे एक हाइड्रोजन की कमी थी, वो हाइड्रोजन इसे यहाँ से मिला, तो इसमें हाइड्रोजन बढ़ गए, तो ये रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हैं। ऐसे में आपको इथेनॉल के साथ भी दिखाऊंगा अभी, और फिर उसके बाद एजोडाई वाली करेंगे और चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ है।